Hey guys, welcome to another video. तो आज के समय में मतलब कि आज का माँ दुर्गा ड्रॉइंग का सेकेंड पार्ट, और इस पार्ट में मैं माँ दुर्गा का फेस ड्रॉ करूँगा और कलर पेंसिल से। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू कर दिया हूँ। पहले मैं आई को ड्रॉ कर रहा हूँ माँ दुर्गा का। तो आई में मैं पहले शेडिंग कर रहा हूँ कोने में। उसके बाद मैं जहाँ सेंटर पार्ट है आई का, वहाँ पे मैं व्हाइट कलर दे रहा हूँ, व्हाइट कलर देकर ब्लेंड कर रहा हूँ और रेड कलर दे रहा हूँ, और ऐसे ही कर रहा हूँ आई को। उसके बाद आई बॉल में मैं ब्लैक कलर पेंसिल से हल्का करके शेडिंग कर रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं डार्क कर दूँगा इसको। तो मैं जैसे कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग भी वैसे ही करो। का फोरहेड में यहाँ पे पहले आपको रेड से एक लेयर दे देना है, उसके बाद आपको फिर से और एक लेयर देना है रेड का। उसके बाद यहाँ पे डार्क रेड को डार्क करके दिया हूँ, वहाँ पे मैंने ऑरेंज दे दिया। उसके बाद लाइट येलो से पूरा फोरहेड में कलर कर देना है। तो आपका ऐसे ही एक रिजल्ट आएगा। उसके बाद वाइट से ब्लेंड कर देना है। तो आपको ऐसे ही दो तीन लेयर देना है, वो डार्क येलो से, लाइट येलो से, रेड से, ऑरेंज से, एंड लास्ट में आपको वाइट से ब्लेंड करना है। तो आप लोग ऐसे करना, ऊपर का जो पार्ट है उसको भी ऐसे ही किया हो तो आप लोग भी ऐसे ही करना। पहले आपको रेड कलर पेंसिल से शेडिंग कर देना है, फर्स्ट लेयर देना है। उसके बाद रेड कलर पेंसिल से सेकंड लेयर देना है, डार्क करना है। और उसके बाद जहाँ पे मैंने डार्क किया रेड कलर पेंसिल से, वहाँ पे ऑरेंज देना है। उसके बाद आपको लेमन येलो या लाइट येलो से, लाइट येलो कलर पेंसिल से आपको पूरा गाल को भर देना है कलर करके। आपको ऐसे, आपका ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एंड आपको वाइट से भी ब्लेंड करना है। उसके बाद आपको डार्क येलो भी देना है। आप वाइट से लास्ट में ब्लेंड करना, क्योंकि ब्लेंडिंग लास्ट में ही करना चाहिए। उसके बाद ही सब कुछ अच्छा लगता है। अब जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे मैं हल्का करके ब्लैक से शेडिंग कर रहा हूँ। आपको शेडिंग ही करना है, ज़्यादा ब्लैक किस नहीं देना है, नहीं तो ड्राइंग ख़राब हो सकता है। तो ऐसे ही करना, शेडिंग करना। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे बनना हो तो सब्सक्राइब कर देना। कीप ड्रॉ एंड डू इम्प्रूवमेंट। और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।